सर, मुझे जेल में डाल दीजिए। मैंने अपनी बीवी का गला घोटकर मार डाला है। उसकी लाश कमरे में पड़ी है, आप जाकर देख लीजिए। ये कहना था एक शौहर का, जिसने अपनी बीवी की बेवफाई से तंग आकर उसको मौत के काले अंधेरों में धकेल दिया। ये खौफनाक वारदात भिवंडी के कलहर इलाके की है, जहां मोहम्मद मुस्ताक ने अपनी पत्नी आबिदा खातून नाम की महिला की हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी नारपोली पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस के सामने पूरी कहानी बताकर खुद को सरेंडर कर दिया। मुस्ताक ने पुलिस को बताया कि उसकी बीवी आबिदा किसी दूसरे लड़के को प्यार करने लगी थी। दोनों के बीच नाजायज संबंध बन गए थे। कई बार उसने दोनों को समझाया, लेकिन कई बार समझाने के बाद भी उन्होंने मिलना नहीं छोड़ा। फिर हद तो तब हो गई जब एक दिन दोनों को कमरे में मुस्ताक ने आपत्तिजनक हालत में देखा तो उसका खून खौल गया, जिसके बाद मुस्ताक ने अपनी बीवी आबिदा का गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि आरोपी मोहम्मद मुस्ताक वैसे तो रहने वाला उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर ज़िले का है और उसकी शादी करीब 15 साल पहले आबिदा नाम की महिला से हुई थी। मगर रोजी रोटी की तलाश में वो कुछ साल पहले ही अपने पूरे घर वालों और बच्चों के साथ मुंबई आ गया, ताकि जिंदगी बसर कर सके। लेकिन आरोपी के 5 बच्चे, जिनमें 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं, इस वारदात के बाद पांचों बच्चे अब अनाथ हो चुके हैं। माँ की मौत हो गई और पिता अब जेल में पहुंच गया है। बच्चों की जिंदगी थोड़े से गुस्से और अपने हवस मिटाने के चक्कर में माँ बाप ने मिलकर अंधकार में धकेल दी।